मसीह में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान में हूँ आपके मेजबान साजा गौरी। अब देखेंगे प्रोग्राम करवा सच साजा गौरी के साथ। नाजरीन, आज एक बड़ी अहम स्टोरी है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ये वो स्टोरी है गोरा कब्रिस्तान की। गोरा कब्रिस्तान का नाम लिया तो शायद आपको याद होगा कि लाहौर के अंदर एक गोरा कब्रिस्तान गुलबर्ग में है और एक गोरा कब्रिस्तान भाटी के अंदर है जो कि अंदरून शहर को लगता है। लेकिन ये एक गोरा कब्रिस्तान जो है ये है धर्मपुरा के अंदर, यानी कि धर्मपुरा का इलाका, दाल कुर्ती और कंटोनमेंट बोंड का इलाका, जितने भी लोग वहां पर रहायशी हैं उनके लिए ये एक कब्रिस्तान बनाया गया, जो कि ब्रिटिश ग्रेवियार्ड के नाम से, ये नेम प्लेट अभी लगाई गई है लेकिन इससे पहले एक नेम प्लेट लगाई गई जो कि इस कब्रिस्तान के हवाले से, जिसका नाम था ब्रिटिश ग्रेवियार्ड, यानी कि गोरो का कब्रिस्तान। अच्छा, गोरो के कब्रिस्तान की जो अंदर की कहानी है वो आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आपने शायद वो कब्रिस्तान देखा गोरा कब्रिस्तान जो गुलबर्ग के अंदर है। उसके अंदर जब जाते हैं तो आपको लशपश सड़कें, कहीं कोई घास नहीं, कब्रें बड़ी खूबसूरत हैं और वहां अमाउंट जो है बड़ी अच्छी रखी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेम प्लेट, मेरा कैमरा में दिखाएगा कि नेम प्लेटें भी साथ साथ चल रही हैं जो उस दौर की हैं। और खास ये अब्दुल अलीम खान साहब की नेम प्लेट है जो कि जिन्होंने यहाँ पर फंड लगाया। और साथ साथ ये मेरा कैमरा में दिखाएगा, ये नेम प्लेट है, ये भी एक बरतानिया के दौर के नेम प्लेट है। इस तरफ देख सकते हैं, इस तरफ देख सकते हैं। और ये खास तौर पर ये एक नेम प्लेट है जिसके ऊपर वाकई ही वो ब्रिटिश जो ताज है उसका साइन है, यानी कि मलका एलिजाबेथ जो हैं, जो दुनिया में नहीं है, ये उनके ताज का साइन, यानी कि वाकई ही ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का। क्योंकि ये तो हम लोग तो ये नेम प्लेट बना सकते, ये जाली भी नहीं है, लेकिन जब ये गोरा कब्रिस्तान लिखा जाता है तो ये गोरा कब्रिस्तान वाकई ही गोरा कब्रिस्तान। और ये कब्रिस्तान की जो हिस्ट्री है ये सुनने में आया है कि ये गोरा कब्रिस्तान 1800 के करीब बनाया गया, यानी कि ये 2022 है, यानी कि 1800-1900 ये 200 साल से भी ज्यादा पुराना कब्रिस्तान, यानी कि उससे भी ऊपर चला गया 22 साल ऊपर। और ये दरवाजा देख सकते हैं कि ये भी दरवाजा जो है बर्तानिया के दौर का। और ये मैं अंदर जा रहा हूँ, कैमरामैन लेके जाएगा मुझे, मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको ये साथ साथ आपको, क्योंकि हम कब्रिस्तान के अंदर आ चुके हैं। और कब्रिस्तान के अंदर जो आप देख सकते हैं कि ये झाड़ियां हैं, कब्रें आपको दूर दूर तक नजर आ रही हैं। ये देखिए, ये कब्रिस्तान के अंदर का हाल है, यानी कि ये वो झाड़ी हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि शायद मैं कथी इस्लामाबाद के अंदर पहाड़ों के ऊपर चला गया हूँ, मरी के अंदर पहाड़ों के ऊपर चला गया हूँ, क्योंकि मैंने ये झाड़ियां मेरे कद से ऊपर हैं। और ये इस तरफ देख सकते हैं कि ये भी इसी तरह का हालात हैं ये कब्रिस्तान के अंदर के। ये देखें, ये मेरा कब्रिस्तान का जो मसीही कौम का कब्रिस्तान है, यानी कि गोरो का कब्रिस्तान, जो कि अब हमारी मसीही कौम का कब्रिस्तान है जो धर्मपुरा के अंदर है। और नाज़रीन, मैं जब इस कब्रिस्तान को मैंने देखा तो मैं ये सुन के तो बड़ा खुश हुआ कि ये पूरी की पूरी हिस्ट्री है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1800 के करीब ये कब्रें यहाँ पर बनी हुई हैं, 1800 के करीब, यानी कि 1820-22 की कब्रें। और ये सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ पर इज्तमाई कब्रें, यानी कि एक कब्र के अंदर काफी सारे जो तादाद की जो डेड बॉडीज हैं। और अपने कैमरामैन को साथ लेके चलेंगे क्योंकि ये बड़ी मुश्किल का काम है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि आप जरा ध्यान से मेरे साथ चलें, क्योंकि झाड़ियां हैं अंदर इसके अंदर। मेरा कैमरामैन मेरे साथ चलेगा, आइए जरा तारिक साहब मेरे साथ आइएगा। कोई ये देखें, ये कब्रिस्तान है, यानी कि मैं समझ रहा हूँ शायद मैं किसी जंगल में आ गया हूँ। तो नाजरीन, ये देख सकते हैं आपके ये हालात है यहाँ के। ये कब्रिस्तान की ये कब्र है, ये 1855 की कब्र, 1855। आप देख सकते हैं कि यहां पर कितनी डेड बॉडीज हैं, 4 ऑफिसर, एक बैंड मास्टर, 13 सीनियर्स और 11 जो थे दूसरे बंदे हैं, 2 और हैं, 27 जो हैं वुमेन्स हैं, 69 जो हैं चाइल्ड्स हैं। और ये तकरीबन कोई मेरा नहीं ख्याल कि 200 से अबव ये लाशें पड़ी हुई हैं। इतनी लाशें हैं कि आप देख सकते हैं कि ये इस एरिया के अंदर इतनी डेड बॉडीज इकट्ठी दफनाई गई हैं। और ये 1855, और मैं आपको दूसरी कब्रें भी दिखाऊंगा जो भी 1800 के करीब दफनाई गई हैं। मेरा कैमरामैन मेरे साथ ही चलेगा, कैमरामैन तारिक साहब जरा ध्यान से आइएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो हालात हैं यहाँ के, ये आप देख सकते हैं कि नाज़रीन ये देखें, ये कब्रिस्तान के अंदर मैं मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन दिखाया कि ये कब्रिस्तान है, नहीं ये एक जंगल है, ये एक जंगल है। अगर हमारी
कौम के असासों के ऊपर अगर कोई हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के असासों के ऊपर कब्जा कर लेता है, हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो लोग हैं, मिनिस्ट्री जो मिनिस्टर बने हुए हैं, इन हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारे जो जितने भी मसीह कौम के जो पास्टर साहिबान हैं, लीडर साहिबान हैं, वो लग रहा है सोए हुए हैं। क्योंकि ये कब्रिस्तान जो है ये हमारी कौम के लिए बड़ा ही खास कब्रिस्तान है। यानी कि 1800 के करीब ये बनाया गया उस वक्त जब बरतानिया ने यहाँ पर बरसगीर के अंदर अपनी आमदरफ्त शुरू की। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहली कब्र जो है हमें ये नजर आई है 1855 की, और ये भी इज्तमाही कब्रें हैं साथ साथ। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पर अब 2022 है, ऐसा ध्यान से आइएगा क्योंकि ये इस वक्त जो यहाँ के हालात हैं वो बड़े ही खतरनाक हैं। और मैं साथ साथ ये भी बताऊंगा, बंदा है जो बड़ा ही नाडर और बड़ा ही जोश वाला बंदा है जो कि इस सारे मामलात को देख रहा है, और वो अकेला। पहले उनके वालिद साहब यहाँ पर फर्ज सर अंजाम देते रहे हैं, मसीह कौम के कब्रिस्तान को संभालते रहे हैं, उसके बाद उनके बेटे आ गए। और ये देखिए इस तरफ मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको कि ये भी देखिए ये कब्रिस्तान है हमारा। ये कब्रिस्तान नहीं, ये जंगल है। और मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ पर लग रहा है कि कोई जंगल का कानून है कि जहां पर कोई सुनवाई नहीं। यानी कि गोरा कब्रिस्तान का मतलब है कि बड़ा ही खूबसूरत कब्रिस्तान होगा, बड़ी ही वहां पर लाइटें होंगी, बड़ी रेलिंग होगी, अगर आप देखते हैं कब्रिस्तान जो है गुलबर्ग वाला है। और यहां पर क्या सूरत हाल है, मैं तो हैरान हूं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है जिनकी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी है और हाई कमीशन जो यहाँ बैठा हुआ है, क्या उनको भी अंदाजा नहीं कि यहाँ पर उनके जो सोल्जर हैं उनके डेड बॉडीज यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको उस तरफ भी लेके जाऊंगा जहां पर रॉयल एयरफोर्स की कब्रें भी हैं जो 1922 में बनाई गई हैं, यानी कि उस वक्त भी बरतानिया का राज था बरसगीर के अंदर। तो ये जो कब्रिस्तान जो बनाया गया ये उस वक्त बनाया गया कि जहां पर आपको याद होगा कि जगह जगह जहां पर छोनियां बनी थी आर्मी की, वो गोरों ने ही बनाई थी और अभी तक वही कायम दायम है। तो ये भी यहाँ पर छोनियां थी जो एक आर्मी की बनती है, वो गोरों ने ही बनाई थी। और इसी के साथ उन्होंने ये कब्रिस्तान बना दिया जो कि 1800 समथिंग में रखल 10-12 में बना होगा। उसके बाद ये 55 में यहाँ पर डेड बॉडीज जो दफनाई गई इज्तवाई। और ये एक नहीं, यहाँ पर 2-3 कब्रें हैं, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और मैं आपको उस तरफ भी लेके जाऊंगा जहां पर और भी कब्रें हैं जो कि 1875 की कब्रें भी हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको कि 1875 के अंदर भी ये जो कब्रें यहाँ पर बनाएंगी जो पे गोरे थे यहाँ पर। और उस वक्त मेरा ख्याल उस वक्त की फुटेज हमारे पास नहीं है कि उस वक्त क्या सूरत हाल थी। मैं आपको जो है इसकी तकरीबन जितनी भी हिस्ट्री है, मेरे साथ जो है सलमान साहब मौजूद हैं जो कि सलमान सरदार साहब, जो कि इनके वालिद साहब थे वहाँ पर डेविड सरदार, वो भी इस कब्रिस्तान को टेक ओवर उन्होंने किया, वो भी बनाते यहाँ पर काम करते रहे हैं। उसके बाद उनके बेटे जो हैं सुलेमान सरदार, उन्होंने भी इस जो कब्रिस्तान के अंदर बड़ा काम किया। और ये उस वक्त से लेके जब से उनके वालिद साहब की डेथ हुई उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ये खिदमत सर अंजाम दी। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जितने भी काम करने वाले जो लोग हैं जो सरकारी अहदों पर बैठे हुए हैं और हमारे मजहबी जमातों में भी हैं जिसमें पास्टर साहिबान है, बिशप साहिबान है, जितने भी मजहबी लीडर हैं, उनको चाहिए कि इस तरफ ध्यान दें, इस कब्रिस्तान को देखें, ये सासा है। और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा ब्रिटिश जो हाई कमीशन है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कि वो भी यहाँ पर आए। मैं आपको उन सोल्जर्स की कब्रें दिखाऊंगा जो कि रॉयल एयरफोर्स की कब्रें हैं जो 1922 में बनाई गई हैं, और मैं उनको जो है सलमान साहब हैं उनको साथ लेके चलता हूँ और उनसे सारी डिटेल में बात करते हैं। तो आइए सलमान साहब से जरा मिलते हैं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त सलमान साहब के साथ मिलकर के अंदर जा रहा हूं, और ये हमारा वही गोरा कब्रिस्तान है जो कि आप देख सकते हैं कि मैंने पहले आपको बता दिया कि ब्रिटिश जो है उनके हवाले से ग्रेवयार्ड ये डिक्लेयर किया गया था। और यहाँ पर जिस तरह देखा जाए तो हम वो आपको पुरानी कब्रें मेरा कैमरामैन मेरे साथ साथ आ रहा है, आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल से हम उन कब्रों तक जा रहे हैं कि जो यहाँ पर पुरानी कब्रें हैं जिससे आप कहते थे 1900 से लेकर 1800 तक। अभी हम यहाँ पर जो है वो मैंने दिखा दी है 1800 वाली कब्रें, अभी हम आपको 1900 वाली जो कब्रें हैं 1920 की, ये जो है हमारे सलमान साहब साथ हैं
और ये हमें बता रहे हैं कि यही इसी ट्रैक पैक में चलना है, उसी ट्रैक से वापस आना है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मैं जो यहाँ पर घास है उसके अंदर धस गया हूँ, और आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ तक घास आ रही है और अभी हमें कब्रें मिल रही हैं। और ये कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी रॉयल एयरफोर्स, यानी कि बर्तानिया की जो रॉयल एयरफोर्स थी, ये उनकी कब्रें हैं। आप देख सकते हैं कि हम आपको दिखाएंगे कि कितनी कब्रें हैं यहाँ पर, 15-20 कब्रें। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मैं ये 1920 से ये रॉयल एयरफोर्स की जी 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 वहाँ हम नहीं जा सकते, क्योंकि मेरा कैमरामैन बड़ी जुलूस के साथ आगे जा रहा है और वो दिखा रहा है आपको कि आगे काफ़ी लंबी घास है। और ये रॉयल जो है फोर्स, यानी कि ब्रिटिश जो है हुकूमत है उसकी ये फोर्स थी, ये उनकी कब्रें हैं 1920 की, यानी कि बरतानिया का दौर जब यहाँ से गया 1947 से, उसके बाद जब यहाँ पर हम उनकी कब्रें उससे पहले की हैं 1920। नाज़रीन मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको, सुलेमान साहब हमें बता रहे हैं उधर, वो एक हमें कब्र निकाल के दिखाएंगे कि इसके ऊपर सन लिखा हुआ है। जी आइए जरा देख लें, जरा अपनी जरा हिफाजत से इस तरफ आइएगा। तारिक साहब आप हमारे कैमरामैन हैं, सीनियर कैमरामैन हैं, और आप इसे देख कर यहाँ पर आएँ और ध्यान से आएँ, क्योंकि आपकी जो सेहत है वो भी हमें जरूरी है। जी 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 नाज़रीन मेरा कैमरा में दिखाएगा आपको, तारिक भाई ये दिखेगा, ये एक उन्हीं का क्लोज करें निशान है, बरतानिया का जो उस वक्त बरतानिया का जो टैग था हकूमत का, उनका टैग देख लें नीचे, आपको नजर आ रहा होगा। नाज़रीन ये 1920 की कब्रें हैं, और रॉयल ये आप देख सकते हैं 1924, ये 1924-1920 ये उसी दौर की ये रॉयल फोर्स, यानी कि रॉयल एयरफोर्स आप कह सकते हैं कि ये वो फोर्स थी जो गोरों के लिए, किंग्स के लिए एयरफोर्स वेरी स्पेशल फोर्स थी ये, और उनको यहाँ पर दफनाया गया। और ये मैं देख सकता हूँ कि आप देख सकते हैं ये पीछे भी मेरे इस तरह कब्रें हैं, और मेरा कैमरामैन हम लोग बड़ी एहतियात से यहाँ से जा रहे हैं, सुलेमान साहब हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं कि ये हालात देखिए यहाँ पर, कि कितना यहाँ पर घास है, और हम लोग यहाँ पर चलते जा रहे हैं, और सिर्फ किस वजह से कि हमारे जो है कौम का ये असासा है, और साथ ही साथ ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, पहले थी हमारी गवर्नमेंट लेकिन अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये उनका भी असासा है। ये आप देख सकते हैं कि ये भी, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये भी एक ये वही ताज है, और ये वही सन लिखे हुए हैं, नजर नहीं आ रहे, ये आप देख सकते हैं कि ये वो पढ़ने में 1819 की को टैग लग रहा है ये, इसी तरह का रॉयल का निशान शुरू में भी जो है 49 इयर्स है जी, एज 49 इयर्स है ये, और आप देख सकते हैं कि ये देखे ये रॉयल 1919 की जी, ये देख सकते हैं मेरा कैमरा में दिखाएगा आपको 1919 की ये कब्र है, और ये आप निशान देख लें, ये वही ताज का मलका, ये भी वही ताज है, मलका लिजबत का ताज था जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका निशान अभी तक, और यहाँ पर कई ऐसी कब्रें हैं जो हमने दिखा रहे हैं आपको कि वो इस तरह निशान है इसके ऊपर। ताकि साहब ध्यान से आप पीछे देख के जरा, क्योंकि हमें नहीं पता कि पीछे अभी पीछे हो सकता कोई खाई हो। ये देखें, ये भी आप देख सकते हैं कि ये उसी तरह ही निशान है, ये कब्र है। सलमान साहब ये आपकी बड़ी हिम्मत है कि आप इस जगह पर खिदमत कर रहे हैं, खुदा की खिदमत कर रहे हैं, ऊपर बैठे हैं, और मुझे चुन लिया इसकी खिदमत के लिए। जब हमने आपकी स्टोरी देखी है इंटरनेट के ऊपर, तो हमने कहा क्यों ना हम भी आपके पास जाएं, और आपको जो है जो यहाँ के हालात हैं वो हमारी जो है मसीही कौम जो है उनको भी दिखाएं, जो हुकूमत बाला के लोग बैठे हैं उनको भी दिखाएं, और जो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो हैं उनको भी दिखाएं कि उनका भी जो है यहाँ पर असासा है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो बरतानिया की गवर्नमेंट है। ये सर बारिशों की वजह से ना इस दफा
जी घास बहुत हो गया, ठीक है, लेकिन इसके लिए मशीनें चाहिए, तफसील चाहिए, तफसील हम वहाँ पर बैठ के आपसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। आए आप हमें रास्ता बताएं, सॉरी किस तरह से हम जाएंगे, सब देख के वापिस आइएगा, आ जाए आप भी। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जिस रास्ते से हम आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हमें ये रिपोर्ट बनाने का मकसद यही है हमारा कि हम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो उनका यहाँ पर असासा दफन है, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर रॉयल एयरफोर्स वो भी दफन है और इज्तमाई कब्रें भी, जो कि तासब देख के ज़रा, क्योंकि यहाँ पर जो है इतना घास है कि नज़र भी नहीं आ रहा कि हम कैसे आएँ कैसे जाएँ। तो नाज़रीन नेशनल न्यूज़ ड्रामा हर जगह पर वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर हमारी मसीही कौम के लिए कोई ना कोई ऐसे काम हो जो होने वाले हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट के फ़ंड की ज़रूरत है, इज्तमाही फ़ंड की ज़रूरत है, और उसके बाद जो मिशनरी अदारे हैं उनकी भी फ़ंड की ज़रूरत है। हम लोग उसी इशू को हाईलाइट करते हैं ताकि वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट जाए, हमारे लोग जाएँ वहाँ पर, और जो वहाँ पर फ़ंड की ज़रूरत है उसको करें, क्योंकि ये हमारी मसीही कौम का बसासा है पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ पर हमारी मसीही कौम के साथ साथ जो है ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, जो बरतानिया है, ये उनका भी असासा यहाँ पर है, और यहाँ पर जो ब्रिटिश हाई कमीशन है पाकिस्तान के अंदर जो लाहौर में बैठे हुए हैं, ये उनको चाहिए कि इनकी तरफ देखें, इनकी तरफ गौर करें कि यहाँ पर उनके जो सोल्जर्स हैं उनकी यहाँ पर कब्रें हैं। हम तो बड़ी मुश्किल से उन कब्रों को देख रहे हैं, मैं आपको और भी दिखाता हूँ, और तफसील से सलमान साहब के साथ बैठकर वहाँ पर बात भी करेंगे कि किस तरह वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, किस तरह इस सारे काम मामले को देख रहे हैं, वो कितनी मुश्किल से ये सारे मामले को देख रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे बंदे हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इनको परेशान भी करते हैं इस तरह कामों में। तो आइए जरा तफसीलन बात करते हैं। जी नाज़रीन, आपको मैंने पूरी यहाँ के गोरा कब्रिस्तान का विजिट करवाया, और यहाँ पर बड़े अहम जो हैं मालूमात है जो कब्रिस्तान के हवाले से वही मैंने बताई, क्योंकि हमारे साथ सुलेमान सरदार साहब मौजूद हैं जो इस वक्त इस पूरे कब्रिस्तान को देख रहे हैं, और ये गोरा कब्रिस्तान है, और ये अगर आप कहते हैं कि ये गोरा कब्रिस्तान है लेकिन ये लगता नहीं गोरा कब्रिस्तान, ये बना तो है 1800 के करीब में, यानी कि इसको 200 साल से अबव, यानी कि आप देख सकते हैं कि इतना पुराना कब्रिस्तान ये पाकिस्तान के अंदर, बड़ी ही खास बात है कि लाहौर के अंदर ये कब्रिस्तान है। सुलेमान सरदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे ये जो कब्रें इन्होंने विजिट करवाया है हमारा, कि ये जो कब्रें हैं ये बरतानिया के जो लोग हैं उनकी कब्रें हैं, और ख़ास तौर पर जो है वहाँ पर जो रॉयल एयरफोर्स की कब्रें हैं, जो कि इंग्लैंड के जो उस वक्त किंग थे जिनके बरसगीर के ऊपर हुकूमत थी, ये उनके एयरफोर्स की कब्रें थी वो वाली, जो कि 1922 में बनाई गई, और यहाँ पर और भी कब्रें हैं जिसमें 1855 1876 और भी कब्रें साथ साथ दिखाई गई हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि इस वक्त यहाँ की जो रेनोवेशन है, देखा जाए तो हम कब्रिस्तान में नहीं जैसे कि किसी जंगल में बैठे हैं, तो हम सरदार साहब से पूछेंगे कि सलमान साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो कंडीशन चल रही है आपके कब्रिस्तान के अंदर ये किस तरह है, और किस तरह आप इसको रेनोवेट कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से लग रहा है इसको आप चला रहे हैं। सर ये बात तो बिल्कुल हकीकत है कि मैं इस कब्रिस्तान को बड़ी मुश्किल से, मैंने 2002 में जॉब छोड़ी 5 स्टार होटल से, और खुदा ने मुझे चुन लिया इसकी खिदमत के लिए, मैं वॉलंटियर इसकी खिदमत कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस दफ़ा ये है कि इतनी बारिशें हुई हैं कि ये घास इतना ज़्यादा बढ़ गया है, और कुछ ये पौधे जंगली उग गए हैं। पूरी कोशिश है मेरी कि मैं इसकी पूरी सफाई कराऊँ, लेकिन इस काम के लिए पैसा चाहिए, मैं एक वॉलंटियर खिदमत कर रहा हूँ, बस दफ़ा मेरी अपनी जेब में एक रुपया नहीं होता, लेकिन खुदा ने मुझे चुना है इसकी खिदमत के लिए, और जब तक मेरी ज़िंदगी की सांस है मेरी लाइफ इस शहर खामोशियाँ के लिए है, ठीक है। तो पूरी कोशिश है कि अगर कोई मेरा साथ दे क्रिश्चियन कम्युनिटी में से, या और कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोई ऐसे लोग आएँ यहाँ पे जो देखें, मेरी हेल्प करें, ताकि मैं, मेरे एक पास एक हिस्ट्री है। अच्छा, इस हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो ये कब्रिस्तान कब वजूद में आया, कोई हिस्ट्री बारी? सर ये 1700 का एंड और 1800 का शुरू, ठीक है। तो मेरे वालिद साहब इसके केयर टेकर थे, ठीक है। तो मैं उनके पास जब यहाँ पे आया तो मेरी उम्र उस वक्त 24-25 साल थी। नहीं, आपके वालिद साहब ने कब टेक ऑफ किया यहाँ पर? उन्होंने
76 में तकरीबन, 1976 में। ठीक है ठीक है। और उससे पहले पता है किसके पास? बहुत से लोग सारे ऐसे ही आए ऐसे ही चले गए। ठीक है ठीक है। तो मेरे वालिद साहब ने इसकी केयर टेकिंग की। यहाँ पे दुनिया की हर बुराई इस कब्रिस्तान के अंदर थी। ठीक है। हालात तो ऐसे ही लग रहे हैं जैसे यहाँ पर बड़ा दीवारें टूटी हुई थी, छोटी ईंट की दीवारें बनी हुई थी, दीवारें टूटी हुई थी। ठीक है। चर्सी पाउडरी शराबी बहुत कुछ था यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे क्रिकेट होती थी, जगह जगह पिचे बनी हुई थी, पतंगबाजी। मेरे वालिद साहब ने लड़कों को मना करने से, एक दिन बाजार जा रहे थे, किसी लड़के ने चुपके पत्थर मारा, आंख जाया हो गई, उसके बाद डेथ हो गई। तो 3-4 साल मैंने यहाँ की केयर टेकिंग की है। एट द टाइम आई एम यंग बॉय। ठीक है। मेरी उम्र उस वक्त 28-30 साल के करीब थी। ठीक है। तो ऐसे किसी बुजुर्ग ने मुझसे बदतमीजी से बात की, तो उस वक्त एक मास्टर माइंड फर्क था। ठीक है। मैंने जो इसको छोड़ दिया, रिहाइश मेरे पास यही थी जहाँ मैं रह रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने लिबर्टी गोल चक्कर क्वाबिश होटल में असिस्टेंट मैनेजर जॉब की है। ठीक है। उसके बाद हॉलिडे इन होटल में मैंने बैंकवुड कैप्टन, मेरा ओल्डन बेनिफिट कार्ड बना हुआ था। ठीक है। लेकिन 2002 में दोबारा खुदा ने मुझे चुन लिया इसकी खिदमत के लिए। यानी कि आपने सब कुछ छोड़ के सब कुछ इस कब्रिस्तान के लिए जिंदगी छोड़ दी, अपनी जिंदगी। जब कब्रिस्तान कमेटी बनाई तो उस वक्त मेरे पास चंद पैसे थे। ठीक है। 60-70 हजार रुपया मैंने जाती खर्च किया लोगों के आने जाने चाहे। उसके बाद कुछ दोस्त वैसे ही इस दुनिया से चले गए। अच्छा, मैं कुछ ना 45 से पहले की बात करूंगा। 45 से पहले जब गोरों का यहाँ पे राज था बरसगीर के अंदर, तो 47 में हमारा पाकिस्तान आजाद हुआ और इंडिया भी आजाद हुआ। हाँ जी। अगर उससे पहले की बात करते हैं, तो क्या यहाँ पर जब गोरे थे तो उनकी इस कब्रिस्तान के हवाले से कोई रेनोवेशन नहीं थी उस वक्त? क्या सोचते हैं? मैं उस वक्त आपको बताता हूँ, एक छोटी सी हिस्ट्री है, मैं वही बताने जा रहा था। ठीक है। कि एक बुजुर्ग औरत से मेरी मुलाकात हुई। ठीक है। उसकी उम्र उस वक्त 80-85 साल के करीब थी। ठीक है। एट दैट टाइम आई एम यंग बॉय। ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि सुलेमान, हमने वो दौर देखा हुआ है, यहाँ पे ट्रैक बने होते थे। ठीक है। ठीक है। ऊपर ईंटों की केरी बिछती थी, साल के साल केरी ऊपर बिछाते थे घोड़े। ठीक है। तो अंग्रेज मेमो ने जब आना यहाँ पे, ठीक है, तो हमें मिठाइयां देनी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो जब फौजी जनाजा आता था तो बिगल बजता था। ठीक है। तो मेरी जिंदगी का भी एक मकसद बन गया कि मैं इसको ऐसा रनवेट ऐसा खूबसूरत बना दूं कि एक दफा बिगल जरूर बजे। ठीक है। लेकिन इसके लिए पैसे की जरूरत है। 2012 में मेरा एक सिस्टम जीमेल पे ऑनलाइन हुआ, रोजमेरी ली, उसके बाद रोजमेरी रजा। ठीक है। साल में एक दफा जो भी मैं दीवारों की कंडीशन, जो तस्वीरें 2014 में, 2012 में, ठीक है, हाँ जी, जो भी दीवारों की कंडीशन मैंने भेजी है, उन्होंने मुझे साल में एक दफा उनका उन दीवारों के लिए फंड भेजे, फंड भेजा। ठीक है। तो मेरे पास वो तस्वीरें हैं, हर चीज है मेरे पास। ठीक है। तो मैंने इस कब्रिस्तान की पूरी चार दीवारी जो है, ठीक है, ये कंप्लीट किया, सेव कर दिया। उसके बाद ये गेट है, नजर आ रहा है, ब्रिटिश बरतानिया, इसमें से कंदले निकाले हुए थे लोगों ने। ठीक है। इसको दोबारा रिपेयर करवाया। ठीक है। उन्होंने मुझे 31,700 रुपया भेजा इसके सर्वे के लिए। ठीक तो है। सर्वे भी भेजा और नई क्रॉस मंगवा के चार कब्रें उनकी रिपेयर करवा के। ठीक है। तो उन्हें तस्वीरें सेंड की, तो उन्होंने कहा एक्सीलेंट योर गेट। ठीक है। तो मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो बरतानवी हाई कमीशन है पाकिस्तान के अंदर भी, लाहौर के अंदर भी, तो वहां से कोई नहीं आया कि यहाँ पर गोरों की कब्रें हैं, उनके लोगों की कब्रें, सिर्फ सोल्जर्स की कब्रें हैं। 2016 में, ठीक है, 2016 में मिस्टर अरवन लियोन, ठीक है, यहाँ पे आए थे, जो दुनिया के हिस्टोरिकल कब्रिस्तानों की उन्होंने हिस्ट्री लिखी है। ठीक है। उनके साथ मेरी तस्वीर भी है, वो मेरे साथ एक घंटा बैठे हैं, यहाँ का विजिट किया है। उन्होंने अपनी वेबसाइट में भी मेरी हिस्ट्री मेरा लिखा है। ठीक है। ठीक है जी। फिर यहाँ पे अपना बच्चा है फिजान गनी, ठीक है, वो धर्मपुरा का खोजी, ठीक है, वो एक बुक लिखी गई है हमारा धर्मपुरा, ठीक है, जिसमें मेरे वाला साहब की और मेरी हिस्ट्री लिखी गई है, है। फिर यहाँ पे वो आए थे अपना बाइकर, ठीक है, उन्होंने मेरी एक लाइव वीडियो चलाई है, मेरा एक इंटरव्यू लिया है, और एक डिस्कवरी, हाँ जी, हाँ जी, डिस्कवरी में, और एक दो मेरे लाइव इंटरव्यू चल रहे हैं, और मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी का मकसद यही है, और ये शेर खामोशा है। ठीक है। तो अभी ये इसकी थोड़ा सा कटिंग का काम शुरू हुआ है। अच्छा, मेरी बात सुने, जब आपके वाले साहब आए 76 के बाद, जी, तो क्या यहाँ पर हमारे जो हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद दूसरे मिशनरी इदारे जो हैं, उन्होंने किसी ने आपकी तरह गौर नहीं किया, आपको फंड नहीं दिया? किसी ने गौर नहीं किया, आज तक नहीं गौर किया सर, इट्स ट्रू, किसी ने गौर नहीं किया। कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब मैं कब्जा नहीं होने दूंगा, जब जरूरत थी तब तक वो आया ना। ठीक है। तो अब कैसे, यानी कि आप देख सकते हैं कि सुलेमान सरदार जो है डट कर यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर इस कब्रिस्तान को बचा के रखा है, यानी कि
देखा जाए तो जब कभी हमारे किसी जगह के ऊपर मिश्री जगह के ऊपर कोई कब्जा करने लगता है तो हमारे मसीही अदारे सामने आ जाते हैं और सारे मामलात आगे आ जाते हैं। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस साइड पे मैं लेके गया था आपको 1920 के रॉयल एयरफोर्स की जी, जी, जी। उस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में दो घर थे कब्जा ग्रुप जो मैंने खाली करवाए हैं मेरे पास बाय रिटर्न उनकी, उन्होंने मुझसे थोड़ा सा टाइम दिया था ठीक है मैं थोड़ा सा टाइम दे दें, मैंने टाइम दे दिया, मैं कह जड़ी इटा उटा जो कुछ है बेच लो तो ले जाओ तो जगह खाली कर दो, और इस इलाके के पूरे लोग गवाह हैं इस बात के। अच्छा तो वो लोग क्रिश्चियन थे? क्रिश्चियन थे, वो खाली करवा दिए। अब इनके कहने पर वहां पर बैठे हुए थे वो? बस वो पहले से मेरे वालिद साहब फौत होने के बाद जब अच्छा। मैंने यहाँ का छोड़ा है सिस्टम ठीक है तो पीछे विलियम भट्टी था एक अच्छा। जिसने बहुत डॉलर खाए बहुत कुछ किया ठीक है तो विलियम भट्टी जो जिनकी डेथ हो गई है हाँ जी ठीक है उसके दौर में वो सारे आए थे। अच्छा ठीक। अब उस कॉर्नर में भी दो घर हैं ठीक है वो खाली हो जाने थे मेरे एप्लीकेशन पे लेकिन बस वो किसी वजह से रुक गया, वो काम रुकता रुकता अभी तक रुका हुआ है। मैं चाह रहा हूँ क्या वजह क्या है सर? कोई मेरा साथ नहीं, अब आई एम अलोन सर, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ ठीक है मुझे साथ चाहिए। अच्छा वो लोग हैं वो कौन बैठे हैं वहाँ पर? वहाँ पे भी एक क्रिश्चियन है और एक वो तो वो किन की पुष्ट पनाई पे बैठे हैं? वो अब तो किसी की भी नहीं बस बैठे हुए, उनको पूछने वाला ही नहीं कोई। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी या मतलब इकमान जो भी है साथ दे तो सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं होता? ये कब्रिस्तान की जगह सर, मेरे बच्चे मैं इसका। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? मेरे चार बेटे हैं ठीक है, तीन बेटे मेरे बाहर किरायों पे, बेटियां मेरी बाहर किरायों पे धक्के खा रहे हैं, मैंने किसी को यहाँ पे नहीं, एक बेटा मेरे पास रह रहा है, मेरी मिसेज की डेथ हो गई है ठीक है जो मेरी खिदमत कर रहा है। बरादरी आप देख सकते हैं कि इनके जो अपनी जो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो है बाहर कहीं भी नहीं बनाई इन्होंने, और यहाँ पर वही घर जो इनके हवाले से टूटा फूटा घर जो है वहीं पर रह रहे हैं, इनके बच्चे भी शादी हुई है लेकिन वो यहाँ पर नहीं रह रहे, यानी कि जहां तक आप देख सकते हैं कि कई ऐसे कब्रिस्तान है जहां पर लोगों ने अपने बच्चों को भी साथ वहां पर रखा है, मकान घर घर पे घर बना लिया, उनको भी साथ रख लिया, लेकिन यहाँ पर सलमान साहब ने ऐसा काम किया है। मैं आपको सर सल्यूट करता हूँ कि आपकी जुरत को सलाम है कि आपने यहाँ पर वो काम किया है कि मसीही कौम, मसीही कौम आपके ऊपर फख्र करती है कि आप हमारी जो मसीही कौम का जो असासा है इस कब्रिस्तान को बचाया हुआ आपने। सर मेरी मिसेज की डेथ के बाद मेरी ये लेफ्ट साइड सारी सुन्न होने शुरू गई थी, यही परेशानी है, मुश्किलें हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि मैं किस मुश्किलात से गुजर गया हूं, बेशुमार डॉक्टरों के पास, कार्डियोलॉजी सर्विस जनरल पता नहीं कौन कौन से अस्पतालों में, सारे मेरे टेस्ट होके हैं, लेकिन ये सब खुदा की ब्लेसिंग है, हर शख्स मेरे लिए दुआ करके जाता है और पता नहीं किसके लबों की किसकी। अच्छा, यहाँ पर इस एरिया को कितने इलाके लगते हैं? सर ये बेशुमार गड़ी शो भी लगता है ठीक है, ये सदर जलार ठीक है, लाल कुर्ती ठीक है, अब सेवनम मक्का कॉलोनी से भी आते हैं लोग, हाँ जी आ जाते हैं ठीक है, लेकिन एरिया डिक्लेयर कोई नहीं, एरिया डिक्लेयर नहीं है, सिर्फ क्रिश्चियन होना चाहिए, हाँ जी मसीह होना जरूरी है ठीक है, वो अपना लेटर लेके आते हैं ठीक है ठीक है। तो मैं यहाँ पे, तो यहाँ पर फीस क्या ले रहे हैं आप? सर यहाँ की सिर्फ 2000 रुपया फीस है, एक अरसे से ऐसी चली आ रही है। नाज़रीन आप देख सकते हैं ये वो फीस है जो कि आम कब्रिस्तान की होती है, जो कि हमारे कुछ इलाकों के अंदर अपने जाती कब्रिस्तान है वहां पर आप गए हैं तो आपने अपने बंदों को भेज दिया कि आप कब्र निकाल लें, तो वहां पर जो केयर टेकर है उनको आप थोड़ी सी फीस दे देते हैं, तो ये वही मामूली सी फीस, लेकिन जब नाम आ जाता है गोरा कब्रिस्तान, उसकी रेनोवेशन, उसके काम, इन्होंने बताया सलमान साहब ने कि जब एक वक्त था कि यहाँ पर जब गोरे यहाँ पर आते थे तो उनके लिए यहाँ पर जो ट्रैक बनाए गए थे वो बड़े खूबसूरत थे और बिगल बजते थे, और जब कोई जनाजा यहाँ पर आता था क्योंकि यहाँ पर 7 आर्मी भी है और उस वक्त गोरे भी यहाँ पर इसी कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर रहते थे और उस वक्त उनके भी लोग यहाँ पर दफनाए गए, जिस तरह आपने हमारे साथ जाकर बड़ी मुश्किल से, और ये वो रास्ते इनको याद हैं जहां पर हम बड़ी मुश्किल से अंदर गए। सलमान साहब आपकी हिम्मत है कि आप इस तरह के, क्योंकि यहाँ पर कीड़े भी होंगे, मच्छर भी होंगे, सांप भी होंगे, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से आपके साथ वहां पर गए, लेकिन आपकी जुरत है, आपकी जुरत का सलाम है कि आप हमें हमारी टीम को वहां पर ले गए और वो रिकॉर्ड दिखाया जो कि यहाँ पर कहीं नहीं नजर आता, यानी कि 1920 की कब्रें हैं रॉयल्स एयरफोर्स की। नाज़रीन मैं अपने मैं चाहता हूं कि आपके लिए किसी अदारे ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि आपकी मंत्री लगाई जाए, कोई ऐसे सियासी लोगों ने? सर अभी तक किसी ने नहीं, सिर्फ 2-3 एरिया हैं ठीक है जो एक मोहब्बत करते हैं, एसएन कॉलेज है सर ठीक है, उनको 1 महीने पे सैलरी मिल जाती है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी वहां रहती है, ठीक है जॉब करते हैं, वो तो चंद से लोग हैं, हाँ जी
तो वो मैं जाता हूँ सर। ठीक है, तो 2000 हो जाए, 2500 हो जाए, 3000 हो जाए, जो भी है, ठीक है सर, वो मेरा। ठीक है, अब लाल कुर्ती की कलीसिया ने, ठीक है, अब जो मंथ होता है उसके पहले संडे छोड़ के दूसरे, ये सीएमएच के अंदर भी तो लोग रहते थे, वो चले गए यहाँ से? वो सर मुख्तलिफ जगहों पे चले गए। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। तो अब लाल कुर्ती वालों ने कलीसिया, ये धर्मपुरा के जो अंदर लोग हैं सर, कुछ मियां मीर नहीं, मियां मीर में बिशप यकूब पॉल ने, अब ठीक है, मेरा मंथली वो इकट्ठा होता है चंदा, ठीक है, वो 2500 हो जाए, 2000-3000, ठीक है, वो बेटी है वहाँ की हिना, ठीक है, वो मुझे रसीद बना के पैसे दे देती है, ठीक हो गया। ठीक है जी, ठीक, बस ये दो तीन जगह हैं सर जहाँ से मुझे, ठीक है, अभी तक आपकी कोई मंथली, वो मंथली ऐसा प्रॉफिट। और सर मैं तो एक मिनट, सॉरी, मैं तो कहता जनाजे आए ही ना, मौत बर हक है, हम सब ने जाना है, ठीक है, तो महीने में दो आगे, तीन आगे, 5 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 6 दिन के बाद जनाजा, वो 2000 रुपया तो आज एक घंटा नहीं निकालता सर। ठीक, मैं इस कब्रिस्तान के बिल, बिजली के 15000, 2000, 20000, छठे महीने, सातवें महीने में 2 महीने का बिल 47000 रुपया भरा है सर, मैं कैसे करूं, क्या करूं, मुझे बताएं। नाज़रीन, बड़े मैं अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारी जितने भी लीडर हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको, जितने भी हमारे कब्रिस्तान हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के हों या मुस्लिम कम्युनिटी के हों, वहाँ पर कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन यहाँ पर क्या मामलात हैं कि इनकी कोई इनकम भी नहीं, किसी मिशनरी अदारे की तरफ से कोई सपोर्ट भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर कब्रस इन, यहाँ पर मोटर भी चल रही है, यहाँ पर कूलर भी लगा हुआ है, पानी बाहर टैंकियाँ भरी जाती हैं, रात को जब जब ज्यादा कोई आ जाए तो उसको पानी भी चलती है, ये लाइटें भी जलती हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनकी कुछ ना कुछ हेल्प होनी चाहिए, किसी मामले के साथ इनको जोड़ना चाहिए ताकि इनकी मंथली सपोर्ट लगे, कोई ऐसे लोग जुड़ जाए इनके साथ। मैं नीचे नंबर लिख दूंगा इनका, सलमान साहब का, क्योंकि इनसे राबता करें, और मैं खास तौर पे ब्रिटिश जो हाई कमीशन है यहाँ की पाकिस्तान के अंदर, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा यहाँ पर आए और अपने यहाँ पर जो सोल्जर हैं उनको प्लीज आकर देखें, उनकी कब्रें यहाँ पर देखें, ये वो यहाँ पर दफन है, उनको आके यहाँ पर देखें और उनके लिए कुछ ना कुछ इस कब्रिस्तान के लिए कुछ करें। मैं आपको तस्वीरें साथ सेंड करूंगा कि जिसमें आप दिखाऊंगा आपको कि जहां पर इतने तरह लंबा घास है, और यहां पर मेरा ख्याल है कि हमारे सरकारी जो लोग हैं, कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुआ यहां पर, यहां कंटोनमेंट बोर्ड के जो अकलीती काउंसलर हैं उनको चाहिए यहां पर आए, कंटोनमेंट बोर्ड की जो गाड़ी है, सफाई वाले जो लोग हैं उनको साथ लेकर आए और यहाँ पर ये घास झाड़िए इनको साफ करें। और मैं अपने लीडर जो हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के, पार्लियामेंटेरियन जो है, हमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर इस गोरा कब्रिस्तान के लिए नजरसानी करें। तो नाज़रीन, मैं अपने जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा खुदारा इस कब्रिस्तान की नजरसानी करें, यहाँ पर अपना गवर्नमेंट का जो फंड है, जो ग्रेवियार्ड के लिए लगता है, शहर खामोशा के लिए लगता है, वहाँ पर इस कब्रिस्तान के लिए कुछ करें। और ख़ास तौर पर हमारी जितनी भी मिनिस्ट्रीज जो हैं, जो बिशप साहबान हैं, पास्टर साहबान हैं, चर्च ऑफ पाकिस्तान है, प्रेसबिटेरियन वाले हैं और बाकी और भी अदारे हैं, मैं खास तौर पर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा इसकी तरह नजरसानी करें, कुछ ना कुछ फंड दें इस कब्रिस्तान के लिए, इसकी रिनोवेशन के लिए, और कोई मंथली लगा दें ताकि सलमान साहब का कोई यहाँ का जो बिल है, बिजली का बिल है, जो पानी का बिल है, जिसके हवाले से ये यहाँ पर चला रहे हैं, वो काम हो जाए। और यहाँ पर जो लाइटें हैं, लाइटों की जरूरत है, ये तो इस वक्त वीराना सा लग रहा है हमें, और मैं हिम्मत की दाद देता हूँ कि ये इस वक्त यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। और मैं इस बात के लिए खुश हूं कि इन्होंने इस कब्रिस्तान को सेफ कर लिया दीवारें करके, वरना हमारे अक्सर ऐसे कब्रिस्तान है जहां पर कब्जे हो गए हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। तो मैं आप हमारी मसीह कौम को पैगाम देने जा रहे हैं इस कब्रिस्तान के हवाले से? मैं सबसे पहले तो अपनी माइक ऊपर कर लें, सबसे पहले मैं अपनी मसीह बरादरी को, अपनी बहनों, भाइयों, बेटियों को, बुजुर्गों को सलाम अर्ज करूंगा। अक्सरियत मुझे जानती है, बाय नेम भी जानती है, मुझे वैसे भी जानते हैं, और इस कब्रिस्तान में जब भी कभी कोई डेड बॉडी जनाजा आता है तो अगर 100 लोग हैं तो उनमें से 80 लोग मेरे लिए दुआ खैर मांग के जाते हैं, और पता नहीं किसकी दुआ मेरे साथ चल रही है, ये खुदाई बेहतर जानता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, ये मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि खुदारा मेरा साथ दें, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आपके साथ के वसीला से मैं इस कब्रिस्तान को फिर एक दफा वो यादगार कब्रिस्तान बना दूं जो कभी बरतानिया के दौर में था। मेरे दिल की ये ख्वाहिश है और मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करें, बहुत शुक्रिया, खुदा बहुत बरकत दे आप सबको, आमीन। नाज़रीन, बड़ी सी बात की सरदार साहब ने
कि मैं वही ख्वाहिश है मेरी कि मैं उसी तर्ज का कब्रिस्तान जो पहले था, यानी कि अगर आप गोरा कब्रिस्तान हमारा जो गुलबर्ग वाला है उसको देखेंगे तो वो एक रोल मॉडल है, ये भी उसी तरह होना चाहिए क्योंकि ये भी गोरा कब्रिस्तान है। मैं अपने मिनिस्ट्री के जो लोग हैं, बिशप साहिबान हैं, पास्टर साहिबान हैं, सबको रिक्वेस्ट करूंगा, लीडर्स जो हमारे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं उनसे रिक्वेस्ट करें, खुदारा इस कब्रिस्तान की तरह नजरसानी करें, इसके लिए कोई फंड जनरेट करें ताकि इनकी कोई हेल्प हो सके, इनके लिए कोई मंत्री लगा दें ताकि यहाँ पर जो बिजली का बिल आ रहा है उसको ये कर सकें, ताकि ये हमारा कब्रिस्तान इस तरह कायम दायम रहे। और ये जो झाड़ियाँ हैं, ये जंगल बन चुका हुआ है, इसको ख़त्म किया जाए, इसके लिए कोई हेल्प की जाए। मैं आपको नंबर नीचे लिख देता हूँ, आप इनसे रब्ता करके इनके साथ टाइम डिसाइड करें, यहाँ पर आए, इस कब्रिस्तान का विजिट करें। और स्पेशली मैं बरतानवी हाई कमीशन जो हैं जो लाहौर में है और पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका भी ये सासा यहाँ पर है, आप भी इसकी तरफ नजरसानी करें और अपने जो सोल्जर्स हैं उनकी कब्रों को देखें और यहाँ पर आके उनकी देखभाल करें, रिनोवेशन करवाएं, ताकि उनकी यादें इसी तरह ही ताज़ा रहें। क्योंकि हमें तो बड़ी मुश्किल हो रही थी उनके नाम और उनका वो एड्रेस लिखने के लिए, अगर इनके साथ कोई मिलकर इन कब्रों की रिनोवेशन करवा देगा तो उनका सासा, उनकी तारीख जो है दोबारा से जिंदा हो जाएगी। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, मुझे और कैमरामैन तारिक पैरा को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।